सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर वन प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में सुन रखा होगा और इसकी तारीफ कुछ यूं की जा सकती है कि अपनी शिकस्त को या अपनी हार को दिल से कबूल करके, अपनी नाकामियों को तस्लीम करके और उनसे सीखने का अज़म लिए हुए अगले की कामयाबी को बड़े दिल के साथ तस्लीम करना, ये कहलाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अच्छा, अक्सर मुख्तलिफ खेलों में जो खिलाड़ी हैं आपने देखा होगा कि खेल शुरू होने से पहले एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है देखकर। अगर कराटे का मुकाबला तो दोनों खिलाड़ी मुकाबले से पहले क्या करते हैं कि झुक कर एक दूसरे को सलाम करते हैं और वो भी बहुत अच्छा लगता है देखने वालों को। अब इसी तरह क्रिकेट को देख लें, टॉस के फैसले के वक्त और टॉस के फैसले के बाद दोनों टीमों के जो कप्तान हैं वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और मैच के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ी इसी हाथ मिलाने की जो रिवायत है इसको अपनाते हैं और हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को अच्छा खेल पेश करने पर मुबारकबाद देती, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह नाज़रीन हमने कई मौक़ों पर यह भी देखा कि मुखालिफ टीम का खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ी के जो बूट के तस्मे हैं वो बांधते हुए भी नज़र आया। अच्छा, रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने वेस्ट इंडीज़ के अजीम खिलाड़ी ब्रायन लारा को बाउंसर मारा था जो उनके सर पर लगा था और वो गिर पड़े और शुएब अख्तर ने क्या किया कि स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है उसका मुजाहरा किया और भागते हुए ब्रायन लारा के पास पहुँचे, बल्कि पूरी पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ के ज़ख्मी खिलाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई और शुएब अख्तर समेत पूरी पाकिस्तानी टीम ने उन्हें उठाया और मैदान से बाहर भेजा। अब ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी भी हमेशा ये स्पिरिट दिखाते हैं, इसका मुजाहरा करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात खिलाड़ी भी कह लें कि आपे से बाहर हो जाते हैं और आपने देखा होगा कि एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला किया जाता है और यही नहीं, खिलाड़ी एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाते हुए भी देखे गए हैं। खेल में कहने की गर्मी सर्दी होती रहती है, लेकिन ये गर्मी जो सर्दी है ये कभी टीम के हारने पर नहीं होती है, क्योंकि क्रिकेट समेत कोई भी खेल क्यों ना हो, हारने वाली टीम अपनी शिकस्त को तस्लीम करती है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि खेलों में नाइंसाफ़ी नहीं होती है, खेलों के जितने भी रेफरीज़ होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, वो कह लें कि अनजाने या ना अनजाने में गलत फैसले दे देते हैं, लेकिन खिलाड़ी या किसी टीम को नाइंसाफ़ी से बचाने के लिए एक और सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया, इसको रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। यानी अगर एम्पायर गलत आउट दे देता है तो टीम एम्पायर के ख़िलाफ़ फ़ैसले पर रिव्यू ले सकती है, लेकिन टीम एम्पायर पर ज़ाती हमले नहीं कर सकती। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि पहले न्यूट्रल एम्पायर का दौर नहीं था, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में पहली मरतबा न्यूट्रल एम्पायर मुतारिफ़ कराए। अब सारी बात करने का मकसद क्या है, सिर्फ इतना कि खेलों में भी मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बड़े दिल का मुजाहरा करना होता है, लेकिन बदकिस्मती से सियासी मैदान में हार को तस्लीम करने का ज़र्फ किसी के पास नहीं है। आम इंतखाबात हों, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हों, या फिर चाहे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात या फिर ज़िमनी इंतखाबात, हर इंतखाब में जीतने वाला ये दावा करता है कि जी, यही दावा आप सुनते रहे होंगे कि वो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया, जबकि हारने वाला अपनी नाकामी या शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय क्या कहता है कि अपनी की गई गलतियों से सीखने की बजाय क्या कहता है, धांधली होगी। और यूँ हर बार इंतखाबात को मुतनाज़े बनाने की बाकायदा कोशिश की जाती है, सोची समझी साजिश के तहत। ये हमारी आप कह लें कि सियासी तारीख का हिस्सा है कि अब तक इंतखाबात को मुतनाज़े बनाया जाता रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा कि हुकूमत ने गैर ज़रूरी हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि रिवायती तौर पर तमाम हुकूमतें ज़िमनी इंतखाब को जीतने के लिए सरकारी वसाइल का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करती नज़र आती हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़्यादातर ज़िमनी इंतखाबात के महाज पर शिकस्त से दोचार हुई और अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ अपनी इन फतूहत को अवामी वोटों की ताकत करार दिया और जहाँ से ज़िमनी इंतखाब हारने लगी तो वहाँ पर धांधली का शोर मचाया गया। अब डस्का का ज़िमनी इंतखाब सबको याद है, इसी तरह कराची का हल्का NA 249 जहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल शिकस्त से दो चार हुए थे, पीपल्स पार्टी के मंदो खेल ने कामयाबी अपने नाम की थी, तो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पर भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही हुआ जब मरियम नवाज़ ने इंतखाबी मुहिम चलाई और हुकूमत पर इंतखाबात से पहले ही धांधली के इल्ज़ाम लगा दिए और मरियम नवाज़ ने तो इदारों को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया, इदारों पर संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाए कि ये इदारे भी धांधली करने में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हालांकि नून लीग की क़यादत को ये बात अच्छे से पता है, अच्छे से, कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून को उसके बयानिए की वजह से रिजेक्ट कर देंगे।
इसीलिए मरियम नवाज को बिलावल की जो याद है वो सताई और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल को चाय की दावत दी। लेकिन मरियम साहिबा को इसके बावजूद कामयाबी नहीं मिली। मरियम नवाज तो कह लें कि अपनी मुँह ज़बानी भी इस ख्वाहिश का इजहार करती रहीं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गिलगित बल्तिस्तान को लेकर इतफाक़ हो सकता है, लेकिन लीगी की आदत के कह लें कि अरमान आंसुओं में बह गए और दाल नहीं गली और यूं मुस्लिम लीग नून को गिलगित बल्तिस्तान में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। हालांकि होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था ना कि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अपनी हार को तस्लीम करके अपनी गलतियों से सीखती और अगर लीगी की आदत धांधली का शोर मचाने के बजाय इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय अपनी इसलाह कर लेती तो क्या ही बात होती और शायद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त का सामना ना करना पड़ता एटलीस्ट। और मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की मुहिम में सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ की, हसास इदारों को टारगेट किया, आज़ाद कश्मीर की आवाम को इदारों से मुतनफ़िर करने की बाकायदा कोशिश की। ये कोशिश भी नहीं, ये साजिश होती है, साजिश। अब 5 साल आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत रही। मरियम साहिबा को अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाने चाहिए थे ना, होना तो ये चाहिए था कि हमारा ये कारनामा, हमारा वो कारनामा, ये हमारी अचीवमेंट्स है, ये हमने किया, वो किया, ये किया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कुछ किया होता तब कहती ना कि ये किया वो किया ब्ला 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 ब्ला, कुछ किया होता तो बताती गिनवाती। इसीलिए नून लीग ने कह लें कि अपने खाली हाथों को देखा और कहा कि अब क्या करें, चले जी तहरीक शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं तो इल्ज़ाम तराशी में तो हमने PhD की हुई है, पोस्ट डॉक्टर फेलो किया हुआ, हम तो शुरू कर देते इल्ज़ाम तराशियाँ, अब क्या करेंगे जी तहरीक इंसाफ पर, वहाँ पर भी इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी गई। इल्ज़ाम तराशियाँ भी क्या बड़ी बड़ी इल्ज़ाम तराशियाँ, बड़े बड़े बहुतान की कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगा दिया और इस बयानिए को बेचने की कोशिश की गई। लेकिन कह लें कि वो घिसा पिटा बयानिया, इतना घिसा पिटा था, इतना फ्लॉप था कि वो मज़ीद फ्लॉप ही साबित हुआ और अब नून लीग को बहुत बुरी शिकस्त हुई। तो लीगी रहनुमा क्या कह रहे हैं कि जी मुबैना धांधली, उसके सबूत ले आए जिनका कह लें कि ना कोई सर है, ना पैर है, ना धड़ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा, वोट को इज्जत नहीं मिली, वोट का तकद्दस पामाल किया गया, वही कह लें कि पुराना रिवायती वो ड्रामों वाला, मुझे तो वो इंडिया के ड्रामे याद आ जाते हैं, इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख के जब ये बात करते हैं, वही रोना धोना, वही गिले शिकवे। मुस्लिम लीग नून को ही चाहिए कि वोट को इज्जत दो किनारे की जो एक्चुअल एक डेफिनेशन है ना वो क्लियर कर दे, क्योंकि वोट को इज्जत तो आखिर एक्चुअली है क्या इनकी नज़र में, कभी ये टाइम निकालें और डिफाइन करें, क्लियर करें, एक्सप्लेन करें, ताकि लोगों को भी समझ आए कि वोट को इज्जत तो आखिर इनकी नज़र में है क्या, क्या मुस्लिम लीग नून की जो जीत है वो वोट को इज्जत देना है या वोट को इज्जत मिलना। अब शायद खाकान अब्बासी साहब ने इदारों को भी घसीट लिया, मतलब नई बात तो नहीं इन लोगों के लिए, तो आए रोज़ इनको कुछ जब समझ नहीं आता तो कहते चलो जी चढ़ाई शुरू कर देते इदारों पर, अपनी तोपों का रुख कर दें इदारों की तरफ, या इनको कुछ समझ ही ना आता इदारों पर तनकीद शुरू कर देते। और वैसे इनका घिस्सा पिटा ये बयानियाँ रह गया है जिसको आवाम रिजेक्ट कर चुकी है, बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं लोग और इनको ये अभी तक समझ नहीं आ रही कि अवाम को मुतनफ़िर इनकी इन हरकत ने की है, कि जिसका मलबा कभी इस पर गिराएं, कभी उस पर गिराएं, किस पर अपने गिरेबानों में झांक के नहीं देखते कि हमारा जो रवैया, हमारा मनफी जो रवैया है, फिर हम इदारों पर तनकीद शुरू कर देते हैं तो अवाम कहीं हमसे बद दिल तो नहीं हो गई, वोटर जो है मुतनफ़िर हो गए, फिर आपकी कारकर्दगी कुछ नहीं होती, कारकर्दगी पर लाके बंदो वोट मिलता है, कारकर्दगी कारनामे वो आप लोग गिनवा नहीं सकते क्योंकि इतने ज़्यादा कि आपको समझ नहीं थी कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। तो वही घिसा पिटा बयानियाँ, इस पे तोपों का रुख कर दें, उस पे तुंदो तेज नश्तर बरसा दें, तनकीद के कुछ नहीं तो हुकूमत के खिलाफ 4-5 झूठी बातें कर दें। शायद खान बादशाह सब क्या कह रहे हैं जी, कहते हैं कि इदारे जो हैं ना वो इस धांधली में मुलविस हैं, हुकूमत इदारों को यरकबाल बनाए हुए हैं। अब मेरी छोटी सी गुजारिश है अब्बासी साहब, बल्कि आपकी पूरी पार्टी से, कि नून लीग आप एक बात पे तो कायम रहे ना, कोई एक गल तुसी सोच लो मिलके उधर ते फिर कायम रहो तुसी, मतलब या तो इदारे हुकूमत के जेरे असर, अब ज़रा गौर से सुनिएगा अब इस बात में कितना दिखे ना इतना तजाद, मतलब एक इधर की बात आप समझ लें कि ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ, इतना ज़्यादा इनके बयान में तजाद होता है कि अब या तो आपकी बात अगर मैं सुन लूँ, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, ये बात नहीं होती। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग एक बात इधर करते हैं, एक बात उधर करते हैं, मतलब आप लोग बात इस तरह की कर देते हैं कि आप लोग खुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं, अवाम को भी आप कन्फ्यूज करते हैं, एक बात बिल्कुल ये होती है, दूसरी बात बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, या तो इदारे हुकूमत के जेर असर है जैसे कि आप कह रहे हैं, या फिर इमरान खान साहब कठपुतली हैं जैसे कि आप लोग कहते रहते हैं। अगर एक कठपुतली वज़ीर आज़म है बकौल आपके, तो इदारे जो हैं वो उस कठपुतली के मातहत होंगे, ज़रा ये भी समझा दें किसी तरह। और इदारों को सियासत में घसीटने से ये जो आप लोगों के अपने गुनाह हैं, आपकी पार्टी के गुनाह हैं, क्या वो साफ़ हो जाएंगे? दिल पे हाथ रखे बताइए, आप लोगों को लगता है कि वो गुनाह साफ़ हो जाएंगे? और आज ये जो लीगी रहनुमाओं ने धांधली पर एक बड़ी लंबी चौड़ी दुम हेद बांधी है,
इसके पीछे एक कहानी है, इस तमीज के पीछे कहानी है। अच्छा वो कहानी अब आप सुनिएगा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लीगी रहनुमाओं ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये दरअसल लंदन में बैठे अपने कायद की एक टेलीफोन कॉल पर की थी। और अब आप इस फोन कॉल का ज़रा अहवाल सुन लीजिए। हुआ कुछ यूँ कि जी, आज़ाद कश्मीर जो इलेक्शन है ना, उसमें शिकस्त के मामले पर नून लीग के कायद ने लीगी रहनुमाओं को एक कॉल लगाई, जिसमें नून लीग के कायद ने नून लीग की शिकस्त पर लीगी रहनुमाओं की खूब क्लास ली। और ज़रा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज़, राजा फारूक हैदर, शाहिद ककान अब्बासी, एहसन इकबाल और कुछ और रहनुमाओं को फ़ोन किया और साबिक वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त की वजूहात के बारे में मालूमात हासिल की, जिसमें नून लीग के रहनुमाओं ने शिकस्त की वजह हुकूमत की बदतरीन धांधली को करार दिया। अब खबरों के मुताबिक राजा फारूक हैदर ने नून लीग के कायद को वजाहत देते हुए कहा कि रात 10 बजे तक नून जीत रही थी, रात 10 बजे तक ये लोग जीत रहे थे, फिर नतीजे रोक लिए गए, जिसमें नून लीग के कायद ने हिदायत की कि अगर धांधली हुई है तो इसको अवाम के सामने बेनकाब किया जाए। अब खबरों के मुताबिक नून लीग के नायब सदर ने अपने वालिद साहब की खिदमत में अर्ज़ करते हुए कहा, नायब सदर साहिबा ने, कि नून लीग को मुनज़्ज़िम मनसूबाबंदी से हराया गया है। अब ये सारी सिचुएशन थी नाज़रीन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और फिर नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर शाहिद ककान अब्बासी, राजा फारूक हैदर और एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेवजनी बातें की, बेतुक्की दलीलें पेश की और हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश की। और वो हकीकत क्या है वो भी सुन लें। वो हकीकत ये कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ग्रुप में तनाव वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। और नून लीग के ज़रा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने कश्मीर में शिकस्त की तमाम जिम्मेदारी मरियम नवाज़ पर डाल दी। नून लीग के जो अंदरूनी ज़राए हैं उनके मुताबिक मरियम नवाज़ ने सिर्फ जलसे किए, जबकि मरियम साहिबा मुनज़्ज़िम तरीके से कैंपेन चलाने में नाकाम रहीं। और ज़राए जो लीगी मुफामती ग्रुप है उसके मुताबिक मजामती बयानियाँ नून लीग की इंतखाबात में नाकामी की वजह भी बना। और शहबाज शरीफ ग्रुप ये समझता है कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उन्हें कश्मीर में इंतखाबी जलसे करने चाहिए थे। और ख़बरों के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो ग्रुप है उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जी शहबाज शरीफ ने कश्मीर में जलसे क्यों नहीं किए, किसके कहने पर शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर नहीं गए। अब जब आपस में इतफाक़ नहीं होगा, एक दूसरे पर एतमाद नहीं होगा, तो फिर लोगों से किस मुँह से वोट मांगे जा सकते हैं। अगला क्लिप चलाइएगा। अच्छा हुकूमत नून लीग की ज़रा सुनिएगा, हुकूमत नून लीग की और धांधली तहरीक इंसाफ ने कर दी, गलत समझ आई थानू, किसी को समझ आई तो मुझे भी समझा दीजिएगा। अब ये बात राजा साहब बड़े कमाल से कह रहे हैं, बेवाकी कमाल ही कर देते हैं आप लोग। क्या नून लीग रोटी को चोची कहती है? आप आवाम को समझते क्या हैं और समझाना क्या चाहते हैं ये भी किसी दिन समझा दीजिएगा टाइम निकाल के। इंतखाबात जीतने के लिए, भारत को मदद के लिए ये लीगी रहनुमा पुकारें, रिवायती हरी भारत को ये मदद के लिए पुकारें, और ऐसे में आज़ाद कश्मीर के अवाम अपनी सालमियत का सौदा कैसे होने दे सकते हैं? अल्लाह के बंदो, आज़ाद कश्मीर के अवाम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर नून लीग के बयान को कबूल कर लिया जाता तो फिर खुदा ना खास्ता आज़ाद कश्मीर में मामला बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। समझ गए वो आप लोगों को? और आज़ाद कश्मीर की अवाम ने 5 साल में वैसे भी नून लीग की क्या परफॉर्मेंस नहीं देखी? परफॉर्मेंस देखी ना उन्होंने, इसीलिए उन्होंने सोच समझकर अपना वोट इस्तेमाल किया। और इस पर राजा फारूक हैदर उन्हें क्या कह रहे, क्या ताना दे रहे हैं? गुलामी का ताना दे रहे हैं। अवाम बेवकूफ़ नहीं है। लीगी उम्मीदवार ने भारत को मदद के लिए पुकारा, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किसकी गुलामी कर रहा है, कौन हमारे दुश्मन मुल्क के हाथों में बाकायदा खेल रहा है। आज़ाद कश्मीर में जाकर कम अज़ कम इदारों के खिलाफ जहर ना उगलते तो क्या ही अच्छा होता। और नून लीग की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत रही है, इसके बावजूद शिकस्त का ज़िम्मेदार नून लीग खुद को ठहराने के बजाय कश्मीरियों को अपनी हार का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, अजीबोगरीब से ताने मार रहे हैं, और कभी पीटीआई हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी सिर्फ अपने गिरेबान में नहीं झांकना, बाकी इधर उधर जहाँ जहाँ दिल जा रहा है वहाँ ताने भी दें और वहाँ पर इल्ज़ाम की बुछाड़ भी कर दें, तुंदो तेज़ नश्तर भी बरसा दें, तोपों का रुख कभी इधर कर दें कभी उधर कर दें। क्या ही अच्छा हो कि अगर कभी आप लोग मिल के बैठ जाएँ और मिल बैठ के ज़रा अपने अपने गिरेबानों में झांक लें, अपनी परफॉर्मेंसेस पे ज़रा ध्यान दे दें कि कहाँ पे आपके फ्लॉ, कहाँ पे आप लोगों की गलतियाँ। फरिश्ते तो आप लोग नहीं हैं, आप लोगों ने गलतियाँ की और बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। क्या ये अच्छा, और इसमें आपका ही फ़ायदा हो कि शायद आप लोग आगे के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और पहले जब बात करते तो पहले फ़ैसला कर लिया करें कि आप लोगों ने कहना क्या है। आप लोगों की तो आपस की समझ नहीं आती, ये समझ आती कि आप सब कन्फ्यूज़ हैं, सब लोग कन्फ्यूज़ हैं आप लोग। अगला क्लिप चलाइएगा।
अच्छा फवाद चौधरी, वही बात करें कि अगर ऑपोजिशन को लगता है कि वो हुकूमत से बेहतर इंतखाबी असलाहत ला सकते हैं तो हुकूमत उनको ज़रूर सुनेगी और उनको कंसिडर भी करेगी। और फवाद चौधरी साहब ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जी इंतखाबी असलाहत पर ऑपोजिशन हुकूमत की हम आवाज़ भी बन जाएगी, अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि इंतखाबी असलाहत के बगैर ये जो धांधली 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 का जो शोर ये हर इंतखाबात में सुनने को मिलेगा। हारने वाले कामयाब होने वालों की जीत पर सवाल उठाएंगे, शकूक व शुबहात का इजहार करेंगे और इदारे दबाव में आएंगे और सवाल जमहूरियत पे उठेंगे। ये शेख रशीद साहब का क्लिप ज़रा चलाइएगा। अच्छा सच्ची बात है कि एक के बाद एक हर जगह तब्दीली आ रही है, अब इसीलिए शेख रशीद साहब अपोजिशन के कह लें कि लते ले रहे हैं। और इसके साथ क्या कह रहे हैं कि अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की नज़रें सिंध पर हैं। और शेख साहब ने ये भी कहा कि अगर मौका मिला तो अगली बार तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। अब लगता है ऐसा कि शेख रशीद साहब ने सिंध में हुकूमत बनाने वाली बात ऐसी नहीं की, ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं की। ऐसा लग रहा है कि जी तहरीक इंसाफ अब सिंध पर भी पेशकदमी करने जा रही है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तवज्जो सिंध पर मरकूज होगी। और इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिंध स्ट्रैटेजी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें सिंध की सियासी जो सूरत हाल इस पर तबादला ख्याल किया गया। और ज़राए ये बात बताते हैं कि तहरीक आज़ाद कश्मीर के बाद सिंध को सियासी हदब बनाने का फैसला कर लिया। अब आज़ाद कश्मीर में जीत के बाद हुकूमत का जो मोराल है वो कह लें कि फिर से बुलंद होने जा रहा है, ऊपर जाने लगे, और अपोजिशन का मोराल उतना ही नीचे जा रहा है। और यही वजह है कि अपोजिशन अपनी आप समझ लें कि जो हार है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और धांधली के पीछे हमेशा की तरह छुपने की कोशिश करी, धांधली होगी। लेकिन अब ये जो शोर मचाया जाता है धांधली का और ये जो छुपन छुपाई का खेल है ख़ास तौर पे, ये मजीद नहीं चलेगा, क्योंकि अब शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करना होगी, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुल्क में ख़वातीन पर तशद्दुद, जिंसी ज़्यादती के बाद कत्ल के वाकयात में हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा होता आ रहा है। एक वाक्य की गूंज अभी ख़त्म नहीं होती है कि दूसरा वाक्य सामने आ जाता है। एक आम पाकिस्तानी हैरत में खौफ में मुब्तला है कि हम किस माशरे में रह रहे हैं, इंसानों के रूप में भेड़िए इस माशरे में आखिर इतनी बड़ी तादाद में कहाँ से आ गए। ये वैशी दरिंदे कहीं भी किसी भी वक्त किसी की भी माँ बहन बेटी को ना सिर्फ दरिंदगी का निशाना बनाते हैं बल्कि जान भी छीन लेते हैं, जीने का हक भी छीन लेते हैं। कितने अफसोस की बात कि नसीम बीबी जो एक नामी खातून थी, नसीम बीबी जिसका गुजर बसर दूसरों की भीख पर था, एक वैशी दरिंदे ने ना सिर्फ उसे बल्कि उसके 14 माह के बच्चे को खंजर के वार करके कत्ल कर दिया। यही नहीं, उस बेबस माँ को मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनाया गया। अब ये सिर्फ एक केस नहीं है, साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर शौकत मुकदम की बेटी नूर का कत्ल हो या फिर डिफेंस लाहौर की 26 साल माइजा जुल्फिकार का खून, मुल्तान की तहसील शुजाबाद की गुलनाज बीबी का गैंग रेप हो या फिर हैदराबाद में शोहर के हाथों तशद्दुद के बाद मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली खातून कुरतुलन का मामला हो, माशरे में इस दरिंदगी, इस वहशत, इस जुल्म और बरबरीत के आगे आप कह लें कि बंद कौन बांधेगा, ये सवाल है जो तमाम जहनों में गर्दिश कर रहा है। पर तशद्दुद और कत्ल के वाकयात पर किस तरह काबू पाया जा सकता है और कब, और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम क्या कहता है, इस पे बात करेंगे आज हम। हमारे साथ बहुत ही मौजूद दो मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा अली साहिबा जो कि माहिर नफ्सियात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप लोगों को सुन के भी बहुत दुख होता होगा, बड़ी तकलीफ़ होती होगी कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारा वतन ही इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन यहाँ पर इतने दरिंदे कहाँ से आ गए, इतनी बड़ी तादाद में भेड़िए कहाँ से आ गए, क्योंकि एक वाकया भी रिपोर्ट होता है तो दूसरा आ जाता है, उसकी गूंज अभी सुनाई दे रही होती है तो तीसरा आ जाता है, ये इतने सारे जो वाकयात पेश आ रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं हम। बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर मुआशरा कई इकाइयों से मिलकर तश्कील पाता है, और इस्लामी मुआशरा इसका हुसन ये है कि इस्लाम ने, साहिब शरीयत ने, बानी शरीयत ने इस मुआशरे की तमाम इकाइयों को बसूरत अहकामात दीनिया के पहले से बड़ा वाज़े कर दिया है। किसी भी माशरे की तश्कील या उसकी तरक्की के लिए जजा और सजा का जो निज़ाम और कानून होता है ये बुनियादी इकाई की हैसियत रखता है।
आप इस्लामी मुआशरे को अगर आप देखें तो कुरान और सुन्नत ने बड़ा वाज़े तौर पर एक तरफ जहां नेकी के ऊपर हौसला अफजाई किए, आखरत में बड़ा इनाम इकराम और जन्नत और दीगर चीज़ों के वादे किए हैं, तो दूसरी तरफ इस्लाम ने गुनाह पर बाज़ ऐसे गुनाह हैं जिनका ताल्लुक़ खालसतन हुकूकुल्लाह के साथ है, तो उन गुनाहों पर आखिरत में अजाब से डराया, और जिन गुनाहों का ताल्लुक़ हुकूक इबाद के साथ है तो वहाँ पर जो हमारी इस्लामी रियासत जिसके पहले बानी बानी शरीयत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो रियासत मदीना कहलाती है, उस रियासत के अंदर वाज़े तौर पर जजा और सजा का ऐसा कानून मुकर्रर किया गया कि अल्लाह के नबी ने अपने करीबी तरीन रिश्ते का नाम लेकर एक केस का फैसला करते हुए फरमाया कि अगर मेरा वो करीबी में वो नाम, चूंकि वो मुकद्दस पुकार नाम है, हुजूर वो नाम ले सकते हैं, तो मैं जरा उस नाम को अवॉइड करते हुए कि हुजूर ने अपने करीबी रिश्तेदार का नाम लेकर आपने फरमाया कि अगर मेरा वो करीबी रिश्ता जो मेरा इंतहाई अजीज है, अगर वो भी ऐसा काम उनसे भी सरजाद होता बिल फर्ज, तो मैं उनके साथ भी ऐसा ही मामला करता। तो असल में जजा और सजा का जब निज़ाम धर्म भरम हो जाए तो ऐसी सूरत में फिर मुआशरा अपनी बुनियादी जो उसकी उसका बुनियादी नज़रिया होता है और वो जो मुआशरा जिस बुनियादी बेस पर खड़ा होता है वो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। हमारे वतन के अंदर आपने, मुल्क के पाकिस्तान के अंदर आपने जो हालिया बल्कि काफ़ी अरसे से जारी जो दरिंदगी का जिक्र किया है, तो मैं समझता हूँ इसके कई मुहर्रिकात हैं, इसके कई वजूहात हैं और इसके कई जिम्मेदार हैं इस इन सारी हरकतों के। बुनियादी तौर पर तो मिन हैसुल कौम हम सारे इस बात के जिम्मेदार हैं कि हमने जो हमारा इस्लामी मुआशरा यानी हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कलमे की बुनियाद पर हमारा ये मुल्क कायम हुआ था और हम मुसलमान हैं, और यकीनन कोई नए के कोई बात है, लेकिन कोई भी ऐसा मुसलमान मैं नहीं समझता कि जो अपने दीन से मोहब्बत ना करता हो या जिसको अपने दीन और अपने अकीदे या अपने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर यह यकीन और भरोसा ना हो कि वो हमारी तरक्की के जामिन है। तो जिस वक्त हमने एज ए मुसलमान अपने अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकाम से, चाहे हम मर्द हों या ख्वातीन हों, हमने रूगिरदानी की है, तो तब से ये जो बुनियाद है ना हमारे माशरे के अंदर खराबी की, यहाँ से फिर इसके बाद जिम्मेदारी बनती थी रियासत की कि अगर कोई सीधी राह से इधर उधर हो तो उसको आप डंडे के साथ, उसको जजा और सजा का जो कानून है उसके साथ आप उसको सीधा करें। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस का आलम यह है कि रियासत ऐसे हाथों में आ गई कि जिनको ना अलिफ का पता ना भा का पता, जो दीन की बात वो कर रहे हैं जिसको कुलवल्ला नहीं आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारा जिसको आप यूं कह लें कि हमारा जो मुआशियात है वो ऐसे लोग चलाने के लिए खड़े हो जाते हैं कि जो मैट्रिक भी नहीं किए हुए होते, जिससे मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो है ना बहुत बड़ा गैप आ गया, जो उसने मुआशरत के तौर पर हम एक रोल मॉडल की हैसियत से दुनिया के सामने जाते बजाय उसके हमें लोगों के लिए या दुनिया के लिए हम इबरत का निशाना बनते हुए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अल्लाह ताला ने, मैं जो बड़ी आम बात है वो कर रहा हूँ, जो अल्लाह और उसके रसूल ने मर्द और ख्वातीन के लिए जिम्मेदारियां मुकर्रर की थी, एक तरफ जहाँ अल्लाह ताला के रसूल और अल्लाह के शरीयत ने ख्वातीन की इफ्फत इस्मत उनकी इज्जत की हिफाजत का वादा किया था, तो उसके साथ साथ उनको कुछ चीजों का पाबंद भी किया था और उन्हें हुक्म दिया था कि जब तुम बाहर निकलो तो तुम अपने आप को ढांप के निकलो, और वहां पर यही शरीयत ने बयान किया था ताकि तुम अजियत ना दी जाओ, बड़ा वाज़े कुरान ने बयान किया था कि तुम ये पर्दा इसलिए करो ताकि तुम अजियत ना दी जाओ, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे। और फिर उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल ने बड़ा वाज़े हुक्म दिया था ख्वातीन को कि वो गैर महरमों के साथ जब तक उनका रिश्ता, यानी अगर बीवी खावंद का रिश्ता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे अच्छा, सॉरी मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, इंतहाई अदब के साथ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। ये डॉक्टर साहब, फिर आपकी तरफ आती हूँ, सॉरी मुझे सिर्फ आपसे दो मिनट चाहिए डॉक्टर साहब, मैं जरा मुफ्ती साहब से सवाल क्लियर कर लूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि जब इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, सवाल हम पूछते हैं, तो अक्सर जो मुफ्ती हजरात हैं आप लोग हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें आपकी रहनुमाई की हमेशा ज़रूरत रहती है। अक्सर ये कहा जाता है कि जी खवातीन जो पर्दा नहीं करती तो रेप के वाकयात पेश आते हैं, इस तरह की ड्रेसिंग की जाती वाकयात पेश आते हैं, अक्सर ऐसे मासूम बच्चियों का रेप किया जाता है जिनको पता ही नहीं होगा कि पर्दा क्या होता है और ये चीज़ें क्या होती हैं, इस उम्र में वो गई नहीं होती हैं, और कुछ लड़कियां कवर्ड होती हैं, अबाया पहनती हैं, बकायदा चादर ओढ़ती हैं, उनका रेप हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब इस तरह ये बहुत जी, आप बताइए। माशाल्लाह आपने बड़ा सुलझा हुआ और बड़ा जानदार सवाल किया है। मैं ये जो अर्ज कर रहा हूँ, मैंने लफ्ज़ आपके सामने बोला था मुहर्रिकात,
और वो पैसिफिक एक चीज नहीं होती है, जब कई चीजें मिलती हैं तो वो फिर तूफान बन जाता है। तो मैं अपने मुआशरे की बुनियादी जो हमारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये चीजें हो रही हैं उनके ऊपर मैं बयान कर रहा हूँ कि देखें हमारा इसमें बहुत सारे लोग हम जिम्मेदार हैं। हमारे ऐसे टीवी प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, फिल्में दिखाई जाती हैं, ड्रामे दिखाए जाते हैं कि जिनमें इस तरह के सीन होते हैं। और फिल्में ड्रामे देखने के बाद बहुत से हजरात आपके जैसे भी तो है ना, जो जो नेक अमल कर रहे हैं, जो के मुफ्ती हजरात हैं, मजहबी स्कॉलर्स बने हुए, फिर इस तरह के जो लोग इस तरह के वाकयात में मुलव्वस होते हैं, जो के गैंग रेप करते हैं, जो इस तरह के वाकयात में मुलव्वस होते हैं, फिर आप यहाँ पे ये भी तो कहिए ना कि उनकी अपनी जहनी गंदगी भी होती है उन मर्दों की कुछ। देखिये मैं उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं आपने मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया। मैं अर्ज कर रहा था कि ये सारी चीजें मिलकर जिस वक्त ये ना एक पूरा एक सोच डेवलप होती है कि जिस वक्त ये उधर टीवी से भी देखा, अपना मोबाइल पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, फिर उसके बाद उसको डर भी ना हुआ कि अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की तो मुझे कानून पकड़ेगा या मैं इस्लाम से मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, इस्लाम से हमारी दूरी भी होती है, उधर से भी हमारी उतनी रहनुमाई नहीं कि हमें खौफे इलाही हो, खौफे खुदा हो। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो उसके बाद इस किस्म की जिंदगी सामने आती है। और मैं यहाँ बड़ा जिसको कहते हैं कैटेगोरिकली ये क्लियर कर रहा हूँ, बड़ा वाजे तौर पर बात कर रहा हूँ कि ये दरिंदे किसी भी जगह छुपे हो सकते हैं, ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर हो सकते हैं, ये जजों के रूप में हो सकते हैं, ये डॉक्टरों के रूप में हो सकते हैं। आपके सामने क्या हॉस्पिटल में मरीजों के साथ इस तरह के रेप के केस नहीं आए? ये स्कूलों और कॉलेजों में हो सकते हैं। और आपके सामने इस वक्त जो हमारे जो यूनिवर्सिटियों का रेशियो है वो बहुत टॉप पे है, तो इसी तरह के गंदे लोग मौलवियों के रूप में भी हो सकते हैं। ये कोई यहाँ पर किसी के पास वही की दलील नहीं है कि जनाब मौलवी बड़े पवित्र हैं, धुले हुए आए हैं और बाकियों में है, ये कहीं भी ये गंदे लोग हो सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मुआशरा ये वजूहात हैं, बिल्कुल। और ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि हर शोबे से लोग निकल कर आ जाते हैं इस तरह के, जो कि ठीक है उस फील्ड का नाम खराब करते हैं। जी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ डॉक्टर साहब, इस तरह के जो वाकयात पेश आते हैं तो आराम से कह दिया जाता है कि जो शख्स है ना नफसियाती मरीज है, इसके दिमाग में कोई मसला है। ये किस किस्म का मसला है कि किसी की जान चली गई, पहले आप उसकी इज्जत से खेले, उसके बाद आपने बहीमाना तशद्दुद किया और मार दिया, और अक्सर ऐसे मारा जाता है कि पता नहीं अंदर की कौन सी फ्रस्ट्रेशन है जो निकाली जाती है। तो इस तरह के जो दरिंदे होते हैं जिनको मैं कैसे जानवर से मिलाया जाए, तो जानवर भी हमें कहे कि प्लीज़ हमें इससे ना मिलाएं, तो इस तरह के लोगों को ज़हनी मरीज़ करार दे देना, नफसियाती मरीज़ करार देना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा दुख होता है। आप क्या कहेंगे? इसको मैं वाजे कर देती हूँ कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो हैं वो ज़हनी मरीज हों। बहुत से सारे जो ज़हनी मरीज होते हैं वो इस तरह के बिहेवियर या वायलेंट बिहेवियर को शो नहीं कर रहे होते। अगर हम देखें इस पे जो रिसर्च से पता चलता है, जो ऑब्जर्वेशंस भी हैं उनसे ये पता चलता है कि जो जराइम पेशा लोग होते हैं उनके जो पर्सनैलिटी है या शख्सियत के अंदर कुछ ऐसी खामियां रह जाती हैं जब उनकी बचपन से उनकी तरबियत की जा रही होती है कि वो इन नेगेटिव बिहेवियर्स की तरफ चले जाते हैं। और बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर उन्होंने ये तशद्दुद जो है बचपन में अपनी फैमिलीज़ के अंदर देखा हुआ होता है, या उनके साथ कभी तशद्दुद किया गया होता है, या अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में आपने सुना होगा, चाइल्ड निगलेक्ट के बारे में सुना होगा, तो वो जो उनके साथ किया गया होता है या उन्होंने अपनी वालदा को या वालिद को घर के अंदर देखा हुआ होता है तो वो इस चीज़ को लर्न कर लेते हैं। और बहुत दफ़ा ये भी होता है कि ऐसी फैमिलीज़ के अंदर बचपन में ही बच्चे की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात जितनी भी होती हैं, जितनी भी फरमाइशें करता है, फौरी तौर पर पूरी कर दी जाती हैं और उनको नो नहीं कहा जाता। तो जब वो बड़े भी होते हैं तो वो फिर इस चीज़ को लर्न नहीं कर पाते कि उनको कहाँ पर रुकना है या कहाँ पर उनको अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना है, या रियलिटी को देखते हुए जो है प्रॉपर डिसीजन लेना है, या दूसरे के राइट्स जो हैं उसके भी कोई राइट्स हैं, या दूसरे की भी कोई चॉइसिस हैं और उनका भी एहतराम करना है। तो ये जो डिसरिस्पेक्टफुल वाला बिहेवियर है वो बचपन से उनके घर से वो सीख रहे होते हैं, वो डेवलप हो जाता है। और घर से समटाइम ये भी होता है कि वालदैन अच्छा बिहेवियर शो करते हैं लेकिन समटाइम वो इनकंसिस्टेंट होता है, यानी बाकायदगी से नहीं होता। कभी तो वो बहुत अच्छा बिहेवियर शो कर देते हैं किसी मौके पे, और किसी मौके पे वो उससे मिलता जुलता है कोई ऐसा बिहेवियर शो कर देते हैं जो कि नेगेटिव होता है। तो जो ये बच्चे होते हैं जो इस बिहेवियर को देखते हुए आते हैं वो रिइंफोर्समेंट एक तरह से उनको मिल रही होती है। और गलत बिहेवियर पे जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने भी कहा कि हमारा दीन भी कहता है कि सही पे आप तारीफ करें और गलत बिहेवियर पे आप उसको पनिश करें या उसको रोकें या जो चीज़ वो चाहता है उसको ना करें, तो वहीं से जो है लर्निंग उसकी होती है। यानी सही और गलत में जो पहचान है वो जब ही आती है जब आप उसको ये बताते हैं कि सही चीज़ जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर को आगे लेके जाएगी और जो गलत बिहेवियर है उसको रोका जाएगा, जब ही तो लर्निंग होगी ना। लेकिन जब नहीं रोका जा रहा होता तो वहाँ पर भी मैं आ जाती है
और आप जो जो इस तरह के जराइम पेशा अफराद होते हैं वो फिर अपनी मर्जी करने लगते हैं, उनकी जो ईगो होती है वो वीक हो जाती है, और जो उनकी जबलत है यानी जो एग्रेसिव इम्पल्सिस होती हैं वो हाई हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, अभी हैदराबाद में एक शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, इस तरह के वाक़ात हम अक्सर सुनते हैं और अक्सर हाथ उठाना तो बड़ा आम है कि जी मर्द हज़रात को गुस्सा आया तो हाथ उठा दिया, बल्कि ऐसे वाक़ात सुनने में आते हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि जी फलां का शोहर इतना सख्त है कि जी अगर सालन में नमक कम डल जाए या खाने में नमक ज़्यादा हो तो वो खाना तक मुँह पर फेंक दिया जाता है, गर्म गर्म खाना, फिर आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन उन मर्दों में कहाँ से आती है, उनकी थोड़ी इसलाह कर दीजिए। आज के इस्लाम ख़वातीन के हकूक़ के बारे में क्या कहते हैं, बीवियों के हकूक़ के बारे में क्या कहते हैं, जो मर्द हज़रात बाहर का गुस्सा कि आपको बॉस ने डांट दिया, किसी ने आपको डांट दिया या आपको कहीं से कोई फ्रस्ट्रेशन है तो आपने घर आके निकाल दी कि जी ये बीवी इसको हम दबा सकते हैं, तो ये तो बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज़्यादती हो गई। देखें बुनियादी तौर पर औरत को अल्लाह ताला ने कमज़ोर पैदा की है, ये बेचारी इनको यकीनन ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, और ये हमारे सिर्फ हमारे माशरे का नहीं है, सॉरी मुझे ये कहने दीजिए, आप भी यकीनन यूरोप में गई हैं, जी जी प्लीज, हम सारे घूमे हुए हैं पूरी दुनिया में, आप अमेरिका का रेशो देख लें, आप यूरोप में देख लें, आप खुद यूके के अंदर देखें, वो हुकूमत उनकी जो है ना वो परेशान हुई हुई है यार अब इसका क्या हाल निकालें, ये हमारे यहाँ तो जो है ना वो चीज़ें होती हैं यकीनन होती हैं, लेकिन आप उधर देखें तो वहाँ उन माशरों में जिनको हम बड़े महजब माशरे समझते हैं वहाँ हमारे से ज्यादा ये गंद मौजूद है, वहाँ हमारे से ज्यादा बीवियों को मारा जाता है, कितने कवानीन उन्होंने बना दिए हैं, किस हद तक वो चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर आप आए रोज उनका मीडिया भी रिपोर्ट करता है, सोशल मीडिया भी आप देखती हैं, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो खवातीन के साथ इस तरह का सलूक होता है, मैं वैसे एक आज एक मजाक के तौर पर हंसी मजाक के तौर पर बात कर लेते हैं, जी जी। वैसे एक सवाल है मेरा कि मुझे ये बताएं कि वैसे तो हर वाले से कहा जाता है उलमा बड़े सख्त हैं, उलमा बड़े ऐसे हैं, उलमा बड़े ऐसे हैं, ठीक है हम बहुत सख्ती करते हैं सारे मामलाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी एक आलम दीन का भी ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है कि उसने ऐसे किया, बाल मुंड दिए, चेहरे पे फेंक दिया, फलाना कर दिया, ऐसा कभी हुआ है? हमने तो यही सुना है, डॉक्टर ने ये कर दिया, प्रोफेसर ने ये कर दिया, बिजनेसमैन ने ये कर दिया, इतने ग्रेड के अफसर ने ये कर दिया, फलाने, मैं नाम अब नहीं लेता आपके सामने, ये मैं उन केसों को सामने रखकर बात कर रहा हूँ जो हमारे हालिया चंद अरसे में हुए, तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ ना कुछ तो है ना सीखने की तो जरूरत है, उसकी बुनियादी वजह मैं फिर वहीं पे ला आपको रखूंगा कि जब तक हम मर्द और ख्वातीन को हम इस्लाम की तालीमात से रोशनास नहीं करेंगे हमारा माशरा बिगड़ता जाएगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जितना ख्वातीन के हुकूक को बयान किया, आज आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं एक लफ्ज एक पॉइंट जो है ना वो अपनी तमाम बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं, ये किसने कहा है कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक को कम बयान किया है? अरे भाई मर्द और औरत इस्लामी नजर में सब बराबर है, जितना मर्द को नमाज पढ़ने का सवाब है उतना औरत को सवाब है, जितना मर्द को हज का सवाब है उतना औरत को क्या, मैं कह रहा हूं कि किसी भी हदीस की किताब में किसी भी फिका की किताब में ये मौजूद है कि फलां काम अगर मर्द करे तो उसको ज्यादा सवाब है और औरत करे तो उसको कम सवाब है, मर्द नमाज पढ़े तो उसको पूरा सवाब है, औरत पढ़े तो आधा सवाब है। प्लीज ये बताया जाए ख्वातीन को, ये सीखें हम कि हमारे इस्लाम ने बिल्कुल मर्द और औरत के बराबर यकसा आंक रखा है। इसी तरह अगर विरासत के अंदर आप खातून को देखें कि वो बेटी का अगर हिस्सा लेती है तो वो माँ का हिस्सा भी लेती है, मर्द अगर बेटा होकर ऐसा लेता है तो वो बेटी होकर ऐसा लेती है, मर्द अगर बाप होकर ऐसा लेता है तो औरत माँ होकर ऐसा लेती है, मर्द अगर भाई होकर ऐसा लेता है तो वो बहन होकर ऐसा लेती है, मर्द अगर शोहर होकर ऐसा लेता है तो वो बीवी होकर लेती है, ये चार चार दोनों तरफ से ये रिश्ते हैं जो कि जिनको हिस्सा मिलता है। इसका मतलब है इस्लाम ने हमेशा खवातीन के हकूक को डिफेंड किया है, उनका तहफुज किया है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अजवाज के साथ क्या सलूक किया, काश हमारा मीडिया सिर्फ थोड़ा थोड़ा हुजूर की सीरत के ये पहलू बताए कि हुजूर जब पानी पीते तो अपनी प्यारी बीवी हजरत उम्मुल मोमिनीन सईद आयशा से फरमाते, आयश जरा ये गिलास को पियो, वो प्याला गिलास जो भी होता वो पीती तो हुजूर उस तरफ को अपने मुंह के साथ लगाकर पानी पीते। ये क्या था, हुजूर ने अपनी उम्मत को सिखाया कि खवातीन तुम्हारी जूती की तरह नहीं है, जैसे पुराने जनाब यूनानी मुआशरे ने ये तालीम दी थी कि औरत जूती की तरह इस्तेमाल करो, या मैं अब मुआशरों का नाम नहीं लेता लेकिन मैं अगर गिनूं तो मेरे इस वक्त पेश नजर 23 से ज्यादा मुआशरे हैं जिनके ऊपर लोग बड़े रिसर्चिंग कर रहे हैं, देखें
कि उन्होंने औरत को क्या दिया, किसी ने कहा ये जूती की तरह, किसी ने कहा ये चींटी की तरह, किसी ने कहा ये नजस जानवर की तरह, किसी ने कहा ये बकरी की तरह। मैं अब आप समझ रही है कि मैं किन किन माशरों की बात कर रहा हूँ। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने आकर औरत को मां बनाया, उन्होंने आकर औरत को बहन की इज्जत दी, उन्होंने बेटी की जो है ना तौकीर दी, उन्होंने आकर औरत को बीवी और बीवी रख कर अल्लाह के रसूल ने हर काइंड की खातून से रिश्ता किया। उनमें से बेवा भी थी, उनमें से बड़ी उम्र की भी थी, उनमें से छोटी उम्र की भी थी, फिर उनके साथ अल्लाह के रसूल उनके काम जाकर किचन में। अच्छा मुफ्ती साहब, माजर के साथ मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मुझे कहा जा रहा है कि मैं क्लोजिंग की तरफ। जी 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 जी, मुझे डॉक्टर साहब का भी लास्ट कमेंट चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपका लास्ट कमेंट, मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है। जी बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जो है जो वालदैन बच्चों की तरबियत करते हैं, वो करते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि बच्चे को सही और गलत ज़रूर बताएं। घर के अंदर सेट बाउंड्रीज या लिमिटेशंस होनी चाहिए फैमिली के अंदर, ताकि बच्चे जो है उनको फॉलो करें। फॉलो वो कैसे करेंगे, जब वो खुद इन चीज़ों को जो भी उन्होंने घर के अंदर रूल्स बनाए हैं, वैल्यूज़ बनाई हैं या लिमिट्स सेट की हैं, बाउंड्रीज सेट की हैं, जब वो खुद उस चीज़ को एक्सरसाइज करेंगे, खुद वो करके दिखाएंगे, तो बच्चे उसको देखेंगे और फॉलो करेंगे। तो इसी तरह से हम इन बिहेवियर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप जो बात जब कर रहे हो तो बात पोलाइटली करें, अपना लहजा जो है वो आप धीमा रखें, और अपनी आवाज़ को बहुत ऊँचा ना करें। जब आवाज़ हम बहुत ज़्यादा ऊँचा कर लेते हैं और अपने लहजे को तल्ख कर लेते हैं और ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो फिर ये एग्रेसिव बिहेवियर जो है ये बढ़ता है। तो अपनी टोन और दूसरे के राइट्स को भी समझें, और अपने जो यानी दूसरे के जो राइट्स हैं उसको भी देखें कि वो क्या चाहता है और उसकी क्या ख्वाहिश है या उसकी क्या चॉइसेस हैं, ताकि उसके मुताबिक जो है घर के अंदर एक माहौल जो है वो कायम हो। और बहुत ज़्यादा बेजा ख्वाहिशें जब आप बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं, भले आपके पास बहुत पैसा है, आप बच्चे को दिला सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने बच्चे की शख्सियत बनानी है, उसकी तरबियत करनी है, तो आप बेजा ख्वाहिशें बच्चों की पूरी ना करें। उसको वही चीज़ें दें जो उसकी एज के मुताबिक उस वक्त उसकी ज़रूरत है, ताकि वो उसको रोकना भी सीखे चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशों को डिले करना जो है वो भी लर्न करे, ताकि कल को अगर वो माशरे में कदम रखता है तो वहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस और उसके अंदर जो है सब्र और पेशेंस जो है वो डेवलप हो, और यहीं से फिर वो एक अच्छा माशरे के अंदर एक अच्छा किरदार अदा कर सकता है। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आप दोनों का बहुत वक्त देने के लिए, और नाज़रीन इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। अपनी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में। देखिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले देखिए पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 73वां योम शहादत है, उनकी याद में हमारी टीम ने तैयार किया, मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।